200 जी दियो 200। भाई वीडियो में आ रहे हो यार, तुम इतनी तो शर्म करो यार। ये लो भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। गाइस, हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके, जिसमें आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी कैबिनेट का जिसको लो बजट मार्केट का एक बहुत ही बढ़िया कैबिनेट माना जाता है। अगर सही शब्दों में कहें तो इस कैबिनेट को एक्चुअली में लो बजट कैबिनेट्स का राजा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IS 200G मॉडल की, जो आता है एंट ई स्पोर्ट्स की तरफ से। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। कटर ब्रो, थैंक यू। सो आइए गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको संभाल के रखियो, भंगार में बेचेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो गाइस, अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो ये कैबिनेट काफी स्टर्डी है। अपने प्राइस रेंज में, जिस रेंज में ये आती है, वो प्राइस रेंज के हिसाब से तो काफी स्टर्डी और ड्यूरेबल कैबिनेट है। ये एक अच्छी खासी बड़ी कैबिनेट है, जिसके अंदर आप एक ATX साइज का मदरबोर्ड इजीली प्लांट कर सकते हैं। सो अगर बात करें कि ये कैबिनेट इतनी खास क्यों है, तो इसमें दो तीन अच्छी चीजें हैं जो एक्चुअली में इसको वर्थ बनाती हैं फॉर द प्राइस ऑफ, जिस प्राइस पे ये बिकती हैं। सो आइए गाइस शुरू करते हैं, धीरे धीरे इस कैबिनेट का डाइसेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली में इस कैबिनेट में ऐसा क्या है जो इसको इतना बढ़िया बना रहा है। सो गाइस, अगर इस कैबिनेट की फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको एक एक्स टाइप डिजाइन में एक RGB स्ट्रिप मिलती है, जो एक काफी एस्थेटिक लुक देती है इसको और एक काफी स्टाइलिश बनाती है इस कैबिनेट को। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्स स्ट्रिप के बीच में आपको एक कार्बन फाइबर मटेरियल जैसा कुछ दिखता है, जो कि एक्चुअली प्लास्टिक के ऊपर एक डिजाइन है। अगर आप इस RGB लाइट के बीच में इसको देखो तो एक काफी एस्थेटिक लुक देता है। सो अगर देखा जाए गाइस, तो इसकी जो RGB स्ट्रिप है, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसके कलर्स अपनी इच्छा अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इस फंक्शन के लिए स्पेसिफिकली इस कैबिनेट में एक बटन दिया गया है, जो RGB कस्टमाइजेबल बटन है। इस बटन से आप इसके कलर्स, जितनी भी इसमें वेरिएशंस हैं, उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन पुट व्हाटएवर कलर व्हाट सूट्स यू, एंड जो भी आप अपने इसके हिसाब से लगाएंगे वो अच्छा ही लगेगा इस कैबिनेट में। अगर इसके अंदर से बात करें फ्रंट साइड की तरफ पे, तो आप फ्रंट साइड पे 120mm के 3 RGB फैंस आराम से लगा सकते हैं। अगर आप फैंस नहीं भी लगा रहे हैं तो यहाँ पर 240mm का आप एक रेडिएटर भी लगा सकते हैं, जो इस कैबिनेट को काफी कन्वीनियंट और इजी टू यूज बनाता है। और इसी फ्रंट पैनल की बात करें तो दोस्तों, इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है, जो शायद इस कैबिनेट के प्राइस पे आप इग्नोर भी कर दो, बट हमें बताना जरूरी है वो ड्रॉबैक। अगर आप देखें तो इसमें ये गैप्स जो हैं, जो इसका फ्रंट एयर फ्लो को हैम्पल करते हैं, ये गैप्स इतने छोटे हैं कि आप, मुझे लगता है कि शायद इसमें से आपका जो वेंटिलेशन के लिए एयर फ्लो पीछे की तरफ जाएगा, वो शायद आप चाहे 120mm के फैंस भी लगा दें, वो फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए ये जो गैप्स हैं, ये शायद इसका एक कॉन हो, बट अगर आप इसकी प्राइस को देखें तो प्राइस के हिसाब से ये काफी अच्छी कैबिनेट है, जिसको आप इस वाले चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर टॉप की बात करें तो टॉप पे आपको एक पैनल मिलता है, जिसमें वेरियस अमाउंट्स ऑफ बटन्स हैं, जो इस कैबिनेट के प्राइस के हिसाब से काफी लग्जूरियस है। अगर देखा जाए तो इस पैनल पे आपको एक पावर बटन मिलता है, जिससे आप ऑन ऑफ का फंक्शन यूज करेंगे। इसके साथ ही आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, एक आपको माइक्रोफोन जैक मिलता है, USB 2.0 के दो पोर्ट्स मिलते हैं और एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है। बाकी इसके अलावा एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, जिसको आप अपने जितने भी वीडियो एडिटर हमारे दोस्त हैं, वो काफी कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़े दोस्तों, तो इसमें फ्रंट साइड पे आपको एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी दिया जाता है, जो काफी सही है इस प्राइस की कैबिनेट के हिसाब से। तो अगर आप देखें तो ये डस्ट फिल्टर आप आराम से रिमूव करके इसको क्लीन करके वापस यूज कर सकते हैं। बाकी अगर इसके नीचे देखें तो आप 2 120mm के RGB फैंस भी लगा सकते हैं, या फिर एक 240mm का रेडिएटर ऊपर की साइड भी आ सकता है। सो अगर जगह की बात की जाए इस कैबिनेट में, देयर इज नो लेस स्पेस, यू कैन प्ले along
with RGB fans and radiators, maybe all through the cabinet. So, अगर backend पे देखा जाए guys, तो आपको यहाँ पर 7 PCI slots मिल जाते हैं, एक आपको पीछे backend पे RGB fan मिल जाता है, जो unfortunately आप customize नहीं कर सकते, अपने उसमें colors नहीं change कर सकते, और RGB fan क्योंकि आपको पता ही है कि जो बहुत ही low budget एक cabinet है, इस RGB fan की quality भी कुछ खास नहीं है guys. But फिर भी एक RGB fan होता है, वो आपको एक aesthetic look दे देता है, आपको एक stylish way of cabinet मिल जाती है. एक बहुत important बात guys, अगर अभी तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए. subscribe करने के लिए एक नीचे लाल बटन होगा, उसको दबाइए. और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ी सारी की सारी information सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे, तो please वो bell icon को भी press कीजिए. और secondly, आपके subscription की, आपके support की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस time, तो please subscribe to our channel. सबसे पहले तो मैं वो कर दूं जो करना मुझे बहुत पसंद है, चीरफाड़. तो ये लो. सो गाइज, अगर हम साइड पैनल पे ही जाएं, तो फिर आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, जो यूजुअली इस प्राइस के कैबिनेट में थोड़ा मुश्किल ही पाया जाता है. यूजुअली इस प्राइस में जो कैबिनेट 2,500-3,000 की मिलती है, उसमें आपको प्लास्टिक साइड पैनल मिलता है, जो कि काफी एक उसको चीप लुक देता है. बट ये जो ग्लास है, इसको काफी रिच लुक दे रहा है, और काफी एक एस्थेटिक फील भी देता है इस कैबिनेट पे. सो इसमें आपको दो चार थंब स्क्रूज मिल जाते हैं, जिनको आप लूजन अप करके इस कैबिनेट के अंदर जा सकते हैं, और अपनी जो भी आप इंस्टॉलेशन या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. सो ये काफी इजीली ओपन अप हो जाते हैं. अगर अब हम इस कैबिनेट के अंदर वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक पावर सप्लाई का एक श्रूड मिल जाता है, दैट गिव्स इट अ वेरी गुड लुक आल्सो. और मेरी पर्सनल एक चॉइस भी ऐसी रहती है कि आई डोंट वांट द पावर सप्लाई टू बी शोन. सो इसके लिए ये एक डेडिकेटेड अपना अलग से पावर सप्लाई रखने का श्रूड मिल जाता है आपको. और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको मैं एक्चुअली मानता हूँ, जो आपको कैबिनेट लेने से पहले सोचनी चाहिए, वो है इसके ये मदरबोर्ड के थ्रू जाने वाले कट्स. ये जो कट्स हैं गाइस, इस कैबिनेट में काफी खुले डुल्ले कट्स दे रखे हैं, जिसमें आप अपने आराम से फिंगर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं, और केबल मैनेजमेंट के लिए काफी आसानी हो जाती है. अगर आप देखें तो आराम से आप जितनी भी आपकी केबल्स हैं, उनको पीछे से राउट करके आगे की तरफ ला सकते हैं, जो एक काफी अच्छी चीज है इस बजट की कैबिनेट में. और वैसे भी अगर आप कोई भी कैबिनेट लें, अगर उसमें ये कट्स ही नहीं है अच्छे से केबल को राउट करने के लिए, तो शायद मैं उसको मानूंगा कि इट इज नॉट अ गुड thing to have in a cabinet. So guys, अगर अब हम इसके rear end की बात करें, तो आपको काफी conveniently rear end भी open हो सकता है आपके इसमें. आपके लिए काफी convenient रहेगा इसको open करना. सिर्फ दो screws दे रखे हैं पीछे. आप इन दो screws को open करके आपकी जो rear end है, उसको simple slide करके open कर सकते हैं. ये देखिए कितना आसान है, आपने रखा और ये आपका rear end खुल गया. So this is very easy to actually go to the back end, जहां पर आप आराम से अपनी केबल को मैनेज कर सकते हैं. ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे केबल मैनेज करी हुई है. सो क्योंकि इस कैबिनेट में इतनी जगह है कि आप आराम से केबल को राउट कर सकते हैं आगे की तरफ. देखिए कितने बड़े बड़े गैप्स हैं जिससे आपकी केबल जा सकती है. सो गाइज, अगर हम इसके बैक एंड की बात करें, तो आपको यहाँ पर 2.5-3 inch की हार्ड ड्राइव ट्रेज मिल जाती हैं, जहां पर हमने ऑलरेडी एक हार्ड ड्राइव माउंट कर रखी है. बाकी इसके अलावा आपको 2 SSD स्लॉट्स भी मिल जाते हैं, जहां पर आप SATA SSD इंस्टॉल कर सकते हैं. और इसके अलावा मेरे ख्याल से बैकएंड में आपको केबल मैनेजमेंट करने के लिए काफी अच्छी खासी जगह मिल जाती है. सो गाइस, इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए 2-4 चीजों के बारे में फिर से बात कर लेते हैं, जो एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं एक कैबिनेट को बाय करने के लिए. सो सबसे पहली चीज जो हम मानते हैं कि कैबिनेट शुड बी वेल वेंटिलेटेड. उसमें आगे से एयर फ्लो और पीछे का बैक फ्लो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए, ताकि कैबिनेट एक्चुअली में कूल रहे. सो इफ यू वॉन्ट अ कैबिनेट दैट इज वेल वेंटिलेटेड, तो उस हिसाब से शायद ये कैबिनेट इतनी अच्छी ना हो. बट अगर आप एक 30-40,000-50,000 का सेटअप बनाना चाह रहे हैं इस वाले कैबिनेट के अंदर, तो शायद उसके अंदर इतना कोई हैवी लोडेड सामान भी आप ना डालें. सो अगर देखा जाए, तो उस सामान के हिसाब से जो 30-40,000 या 50,000 के अंदर आएगा, उसमें आपको इतनी वेल वेंटिलेशन की जरूरत भी नहीं होती है. सो दिस कैबिनेट कैन डू, बट यस, इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग अबव 50,000, तो मैं आपको ये कैबिनेट रिकमेंड नहीं करूंगा. देर आर मच बेटर ऑप्शन इन द मार्केट.
जहां पर आपको आगे से पीछे का अच्छा खासा वेंटिलेशन या एयर फ्लो मिलेगा, आप वहां पर मच मोर जगह भी पा सकते हैं और यू नो आपको एक बेटर वेंटिलेटेड कैबिनेट मिल जाएगा। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं हम ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यूज बनाते रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियोज बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं रजत और आप देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स।